Hello my dear friends, I am Priyanka from Knowledge Cafe. Today we will do multiplication tricks. हम थोड़े से time में कैसे multiplication solve करते हैं of a three digit number. Two digit number की हमने करी थी पहले. Let's start with it. This is my number 421 and 523. इनको हमने multiplication करनी है. सबसे पहले हम अपने unit digit को देखेंगे. दीज आर माई यूनिट डिजिट. 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3. देन माई सेकेंड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दिस इज माई सेकेंड स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हम इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1. आई गॉट 3 2 6, 2 1 2. उसके बाद मैं इन दोनों को आपस में प्लस कर लूंगी. दैट इज 6 + 2 = 8. देन आई गॉट इट एज 8. नाउ माई थर्ड स्टेप इज अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. बट इन दिस वे हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे? पहले हमने नॉर्मली क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन की थी सेकेंड स्टेप में. अब हम 100 डिजिट की यूनिट डिजिट, ये 100 डिजिट, 10 डिजिट और ये यूनिट डिजिट, 100 डिजिट, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट, हम 100 डिजिट की यूनिट डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. एंड उसके बाद हम जो 10 डिजिट हैं दोनों उनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. राइट तो मेरा क्या आएगा, 4 को मैं 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी. आई गॉट इट एज 5. नाउ अब रह गया मेरा 10 डिजिट, दैट इज 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. अब इन तीनों को मैं ऐड कर लूंगी. 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11. 1 कैरी ऊपर, आई गॉट इट एज 2. अब 1 मेरा यहाँ आ जाएगा, 2 मेरा ऊपर कैरी आ जाएगा. नाउ माई थर्ड स्टेप इज अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी. फोर्थ स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी 100 डिजिट की और 10 डिजिट की. राइट अगेन मेरी नॉर्मली ये वाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी जो मेरी पहले हुई थी. दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2. 4 2 8, 5 2 10. मैं इन दोनों को आपस में क्या कर लूंगी, प्लस. आई गॉट इट 18, जिसमें मेरा 2 कैरी था, प्लस 2 इज 20. तो 0 मेरा यहाँ आ जाएगा, 2 मेरे ऊपर अगेन कैरी आ जाएगा. अब माई दिस वन इज माई फिफ्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, जिसमें मैंने सिर्फ अपने 100 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना. तो इसको हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5. आई गॉट इज 4 5 20, और जिसमें मेरा 2 नंबर है कैरी, प्लस 2 22. तो मेरा आंसर आ गया मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करने पे 220183. ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.